तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज गांव खांडरा में जो रोड वाली मस्जिद है वहां पर शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों और गाँव वासियों के साथ मिलकर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया और एक छोटा सा प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने नात और नजम और जो तकरीर है वो पेश किए और दो तीन वक्ताओं ने अपनी बात भी रखी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम यहां पर मौके पर मौजूद रही। तो आप देखें ये वीडियो पूरी अंत तक देखें। धन्यवाद। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صوبار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو یہ اہل نبوت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے آدم کو جب وقت پڑا تھا گلشن پر تب میں نے لہو کا دان دیا और मेरे लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। अजीजाने मुल्क व मिल्लत, यौम जमहूरियत के पुर मुसल्लत और दिल नवाज दिन पर इससे बेहतर और क्या होगा कि तहरीके आजादी में मुसलमानों के किरदार पर बात की जाए। इसलिए कि यही वो दिन है जब गुलामी की जिल्लत से हिंदुस्तान को निजात मिली थी। यही वो दिन है जब सदियों की तारीफ ही खत्म हुई थी। सब्र मोहब्बत का पैगाम देकर इस मुल्क को दोबारा तकसीम होने से बचाना होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे
से लोगों के यहाँ मिल्कियत अच्छी चीज़ है, बहुत से लोग जमहूरी निज़ाम को अच्छा समझते हैं, वो सब चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हमें समझने की ज़रूरत यह है कि ये जमहूरी निज़ाम हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। न जाने कितने उलामा ने और कितने लोगों ने और कितने हिंदू मुस्लिम सभी तरह के सभी तबके के और सभी धर्म और मज़हब के लोगों ने जब कुर्बानियाँ दी हैं तब जाके ये निज़ाम हमें मिला है। इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम ही लोगों पर आयद होती है। आज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को ख़तरा है तो वो जमहूरी निज़ाम को ख़तरा है। आज कुछ ऐसी ताकतें पावर में आके बैठी हैं जिनका मकसद है इस निज़ाम को ख़त्म कर देना, इस संविधान को ख़त्म कर देना, इस मुल्क पे कब्जा कर लेना और इसको हिंदू राष्ट्र बना देना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हैं और देखते रहते हैं। आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीज़ों से वाकिफ ना हो। हर एक आदमी अपने हाथ में मोबाइल रखता है और उससे सब कुछ खबरें इस तरह की चलती रहती है। बच्चे को दावत देना चाहूंगा जिसका नाम है यूनुस, वो आए और किरात करे। उनके बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक पेश करने के लिए फिर दोस्त को दावत दूंगा, वो आए और नाते पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। अस्सलाम। उनके बाद में राशिद भाई को बुलाना चाहूँगा, वहाँ अपनी बात करते। राशिद भाई गरीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारी राकिब साहब का जिन्होंने बोलने का मौका दिया, और उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम बस्ती वालों का और अपनी टीम साज अपर वेलफेयर ट्रस्ट का जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत अपना योगदान दिया। दोस्तों आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया था अंग्रेजों के जुल्म से, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमें एक ऐसी ताकत संविधान के रूप में मिली जिसके बाद हमें आज यहाँ पर बोलने की, खेलने की, लिखने पढ़ने की हर तरह की आज़ादी उस संविधान ने दी है। उसी के उपलक्ष में ये पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आज 26 जनवरी उसी के उपलक्ष में मनाई जाती है, क्योंकि हम एक सेलिब्रेट करते हैं उस संविधान को जिसने हमें हर प्रकार की आज़ादी दी है इस देश में रहने के लिए।
प्रकार से हम अधिकारों की, अपने अधिकारों की जो संविधान ने हमें दिए हैं उनकी पहचान कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना है, उनको इस प्रकार से एजुकेटेड करना है ताकि वो अपने अधिकारों को पहचान सके और एक अच्छे इंसान बन सके। यहाँ आज जो माहौल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए, हमारे बच्चे या तो 8वीं 10वीं करेंगे या 10-15 साल की उम्र में ही अपने बाप से बड़े बन जाते हैं। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने झगड़े रफड़ों को छोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है आज के इस दौर में, तभी हम अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं कि क्या हमारे अधिकार हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे राशिद भाई गरीब राम से, उन्होंने तालीम के बारे में बहुत ही अहम बातें आप लोगों से कही हैं। देखिए, तालीम ही है जो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तालीम ही है जो हमें जागरूक करती है, जो हमें बताती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज जो हालात राशिद भाई ने बताए हैं कि हमारे गांव के हैं, यहाँ पे नशा बुरी तरह से फैल रहा है और 8वीं 10वीं को बहुत बड़ा ये समझा जा रहा है कि हमने पता नहीं कौन सा बीमा लिया है, तो ये जाहिर सी बात है हमारे समाज की ये चीज़ें हैं। हम लोग तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, हालांकि हम ही लोग थे जो तालीम में सबसे आगे हुआ करते थे। मुसलमानों की अगर आप तारीख पढ़ेंगे और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत है, हमारे भारत में भी बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे मुसलमान। लेकिन ये जब धीरे धीरे पता नहीं किस तरह से माहौल बदला और हम लोग पिछड़ते चले गए। हमारे मदारिस ऐसे हुआ करते थे कि बड़े बड़े अदीब वहाँ से निकले हैं, जो हिंदी के शायर हैं और जो उर्दू के शायर हैं, बड़े बड़े शायर वहाँ से निकले हैं। हम लोग और हमारे मदरसे कभी जमाने के हिसाब से चला करते थे, हमारे बड़े बड़े स्कूल हुआ करते थे। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई आज की नहीं है, आज नहीं पैदा हो गई, जामिया मिलिया आज नहीं बन गया, वो हम ही ने तो बनाए थे वो। और हमारे लोग आज कहाँ हैं, हमारे लोग आज 8वीं और 10वीं को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं। शहरों में जो बच्चे होते हैं आमतौर पर उनके पास बहुत काम होता है, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं देते, लेकिन हमारे जो आमतौर पर गाँव के बच्चे होते हैं उनके पास फुर्सत बहुत होती है। स्कूल से आ गए और स्कूल भी गए नहीं गए ये भी माँ बाप को पता नहीं होता, पता चला घर से तो बैग उठा के गए हैं स्कूल के लिए, लेकिन ये नहीं पता वो कौन से खेत में बैठे हुए बीड़ी पी रहे। तो इस तरह की चीजें हैं, ये कमियां हैं हमारे उसमें, तो हमें अपने बच्चों पे सबसे ज्यादा निगाह रखने की जरूरत है। देखिए, ये तो खुशी के दिन है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये हमारे मुल्क के लिए खुशी के दिन है और हम लोग खुशी मनाते भी हैं। और इसमें कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। ये देश हमारा है और इस देश के लिए हमें, जैसे हम खुशी के मौके पर इसके लिए तैयार हैं, हमें गमी के मौके के लिए भी तैयार रहना हमारे लिए ज़रूरी है। आज खुशी का दिन है, खुशी हम लोग मना रहे हैं, कल को हमें इसकी हिफाजत के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सभी लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जैसे आज साथ है, इसीलिए अगर इस मुल्क के लिए और इस देश के लिए, इस वतन के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम लोग देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।